या एक्चुअली मतलब ऐसा कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मतलब लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मतलब जिन्होंने भी मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया, सबको मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ सबसे पहले। एंड दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार बातें करो मतलब बातें करो इन द सेंस मुझसे नहीं, बातें करो आपस में। ये दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है फिलहाल, भी कोई बात नहीं करता किसी भी चीज़ के बारे में। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार मैंने शो पर भी कहा ये बात और मैं यहाँ पर भी कहना चाहता हूँ कि बातें करो प्लीज़, आपस में कुछ भी हो बस बातें करो, ये मेरा मैसेज है सबको मेरी तरफ से। सर आप अपनी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इस जर्नी इतनी डिफिकल्ट जर्नी रही, काफी हार्डकोर रैपर्स हैं, तो कितनी कुछ अगर आप बता सकें इस जर्नी लाइक हार्डकोर। मैं ना ये मानता हूँ कि हार्डकोर रैपर लाइक हार्ड ऐसा कुछ नहीं होता, एक इमोशन होता, हार्ड भी एक इमोशन है, सॉफ्ट भी एक इमोशन है, काम पीस एंगर ये सब इमोशंस है। कोई सॉफ्ट हो सकता है, कोई हार्ड हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई एंग्री हो सकता है। सो हर तरह के इमोशंस है और हर तरह के रैपर्स है, हर तरह का आर्टिस्ट मिलेंगे आप लोगों को। सो ऐसा मतलब हार्ड कुछ नहीं है, बस वही है कि जो सिचुएशन है, जो मोमेंट है, उसमें जो इमोशन है वही है। सो मेरे लिए ये था कि सब अच्छे रैपर्स थे, अच्छे आर्टिस्ट थे सब, एंड सबके साथ कल्चर शेयर करने में ना बहुत मज़ा आया मेरे को, लाइक सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला और कुछ लोगों की हेल्प करने में मज़ा आया। So yeah, it was a like family जब हम वहाँ पे थे, so सब अच्छा रहा। आगे की क्या planning है, किस तरह का rap ही करने का इरादा है, या कोई song singing की career में भी आप देखेंगे? यार गाने बनाने basically, हाँ basically गाने बनाने में तो ये कहना चाहता हूँ कि rapping भी singing भी सब कुछ करना है। एंड आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, मेरे खुद के चैनल पे आने वाले हैं, कुछ स्पॉटिफाई पे आने वाले हैं, कुछ लेबल्स पे भी आएंगे आई एम डैम श्योर। सो अच्छा अच्छा काम आने वाला है, कुछ रिकॉर्डेड पड़े हैं ऑलरेडी एंड कुछ रिकॉर्ड करने हैं मतलब यहाँ से जाके। सो बहुत सारा काम आने वाला है, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, सुनते रहे मुझे, थैंक यू सो मच। जर्नी कहाँ से शुरू हुई, शुरुआत कहाँ से आपकी? शुरुआत मेरी शुरुआत या फिर हसल वाली शुरुआत? आपकी मेरी शुरुआत हुई है, मैं हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सो हाँ मैं रैप करता हूँ। तो गाँव में जब रैप करते हैं तो लोग हंसते हैं, क्या कहना है इस बारे में, कभी आपके साथ हुआ है? अरे पागल है। नहीं मतलब ऐसा है कि सही बात है, नहीं नहीं ऐसा है कि मतलब गांव में ना आर्ट के नाम पे मतलब रागनी था और बहुत अच्छी आर्ट है, मतलब वो भी एक फोक जॉनर हमारे यहाँ रागनी खत्म होती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा पता है रागनी के जो हार्डकोर फैंस है अभी भी रागनी सुनते हैं, मैं खुद रागनी सुनता हूँ एक्चुअली, मैं रागनी की वजह से आया हूँ, मैं तो ये मानूंगा मैं रागनी की वजह से आया हूँ। अगर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ ना म्यूजिक से राइटिंग से, राग हाँ एक्चुअली होता है। सो मेरा इंट्रोडक्शन रागनी की वजह से हुआ, रागनी की वजह से मैंने लिखना स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में मैंने लिखे थे बॉलीवुड के गानों की तर्ज पे, मैं भजन लिखता था रागनी की तरह, भजन लिखता था, मेरी स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई है। सो रागनियों के लिए मैं अटमोस्ट रिस्पेक्ट रखता हूँ अपने मन में, एंड दादा लक्ष्मी चंद जैसे वहाँ पे राइटर और रागनी गायक हुए हैं। सो नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि रागनी एक्चुअली, हाँ 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 पता है मुझे, पता है मुझे, एंड आई एम श्योर मैं उसे ज़रूर देखूंगा, लाइक क्योंकि वो नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी रही है दादा लक्ष्मी चंद के ऊपर जो बन रही है मूवी, सो मैं जरूर उसे देखना चाहूँगा, लेट्स होप कि वो अच्छी हो। एंड कौन सा रैप फैन से आपने शुरुआत की, आपने बोला पलवल से, मैं हरियाणा से। सो लाइक एज सच मैंने ना रैप से डायरेक्ट शुरुआत नहीं करी थी, मैं उससे पहले पोइट्री लिख रहा था, पोएम्स लिख रहा था, मैं गज़ल्स लिखता था, एंड उसके बाद धीरे 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 मैं रैप में आया। रैप में भी मैंने डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं कर दिया था, पहले मैं साइफर्स में जाता था, साइफर्स और बैटल्स जो होती है पहले मैं उसमें जाता था, फ्री वर्स वगैरह होते थे, सो पहले ये सब हुआ था। देन उसके बाद मैंने अपना पहला जो गाना लिखा था, रिलीज़ किया था मैंने 2018 में, हिप हॉप मजहब नाम था उस गाने का, सो वहाँ से शुरू हुई थी मतलब बेसिकली। आपको तो मालूम है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं इनिशियली लोग ही आगे आते हैं, या एक्चुअली आई नो दैट लाइक सबसे बड़ा चैलेंज ना मतलब यही था कि आर्ट को समझाना लोगों को कि ये भी एक आर्ट है, ये समझाना सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, लाइक क्योंकि ऐसा था कि वहाँ पे लोग ना ये कुछ कुछ लोग कंसर्न भी थे, जो मतलब वेल विशर्स होते हैं वो कंसर्न होते हैं,
कि आगे कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं रह जाएगा. सो वो कंसर्न थे वो बेसिकली वो दूर करने में, क्योंकि प्यार से दूर करने थे ऑब्वियसली वो कंसर्न, ऐसे लड़ गुद के तो करने नहीं थे. सो वो चैलेंज रहा एक बहुत बड़ा मेरे लिए, एंड अभी हो गया वो. सो आई एम हैप्पी फॉर दैट. सभी हैप्पी है. क्या आप एक्टिंग करियर देखो, क्योंकि फिलहाल तो मुझे ना म्यूजिक से बहुत प्यार है और मैं म्यूजिक को छोड़ना नहीं चाहता कभी भी. म्यूजिक से मैं ज्यादा दिनों तक दूर भी नहीं रह सकता. सो मैं म्यूजिक ही करना चाहूंगा अभी. तो अभी ऐसे रोमिल बहुत सारे रणदीप हुड्डा था पहले, बट आगे का कुछ पता नहीं. आगे का कुछ पता नहीं है. यार मैं ना इंस्टाग्राम मैसेजेस ना मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी अपने, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स चल रही है. बाकी मेरी टीम है जो वही देख रही है मेरे, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह हैंडल कर रही है. तो मैं कुछ अभी इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे. जस्ट ये पता है कि आई एम हैप्पी, जो भी मुझे सुन रहा है आई एम हैप्पी फॉर दैट. बिग बॉस का ऑफर आता है आप जाना चाहोगे? यार बिग बॉस अगर मैं जाऊँगा तो फिर मुझे म्यूजिक से मुझे ना फिर म्यूजिक से ब्रेक लेना पड़ेगा और मैं वो नहीं चाहता. लाइक म्यूजिक से ब्रेक नहीं चाहता मैं, म्यूजिक से बहुत प्यार करता हूँ. नहीं 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 एक्चुअली बनाना, नहीं 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 आर्ट क्रिएट करना, दैट इज द मेन थिंग. दैट इज द मेन थिंग. बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो ऐसे है कि मैं कभी लिखड़ू जब गली तै तेरी पूरा तेरी घनी सहेली कुछ तो दुबकारी है तू बोला तेरी निगाह कर दूं मैं खोल कले जो सुन ला तू बोल करे जो हाजर भी दे दी जो फिर हाँ करियो चैना मैं हूँ सूदा सा छोरा करू गाम ते बिल्ला शहर की छोरी ही मेरी ले ले राम राम. सही कहना चाह रहा हूँ. थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरे को सुना है, सबको बहुत प्यार. यार इस चीज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि कुछ ऐसा सभी कुछ मीटिंग वगैरह कुछ हुई नहीं है उससे रिलेटेड. लेट्स सी. बाकी राम राम सबको. थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए. थैंक यू सो मच. सही है भाई.